And welcome to the new vlog at KG Moto Life and good morning from Indore. And मैं निकल रहा हूँ आज घर के लिए. So today is Mumbai to Kedarnath bike ride day 13. Let's enjoy the journey and see you on the roads. फुल एक्साइटमेंट के साथ निकल रहा हूँ घर के तरफ. सो मैंने डिटूर किया है थोड़ा और मैं अभी जा रहा हूँ सैनी पोहा मिसल के यहाँ पे, जो कि बहुत फेमस पॉइंट है खाने के लिए. उनके मिसल पोहे बहुत ज्यादा फेमस है पूरे इंडिया में. सो 2.6 किलोमीटर का डिटूर है. मैं बोला बाजू में ये 2.5 किलोमीटर तो कर लेता हूँ. वी हैव रीच्ड टू द सैनी पोहा मिसल. आपका फेमस क्या है जो है वो पोहा मिसल ना? हाँ दे दो, एक मूंग वाला मिसल है और ऊपर एक पनीर का पीस भी आता है, बढ़िया दही भी आता है. थैंक यू, दिस यमी लग रहा है. खाते हैं और बताता हूँ टेस्ट कैसा है. सैनी उसल पोहे वर्थ था यहाँ पे आने का, काफी अच्छा था, मजा आ गया. वो टेस्ट जो है वो आपको कहाँ भी नहीं मिलेगा. काफी 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 अच्छा था, बहुत अच्छा. मैं नेक्स्ट टाइम आऊंगा तो मैं यहाँ पे आके वापस खाऊंगा. आई विल रिकमेंड यू गाइज टू गो एंड ईट अगर आप इंदौर में आते हो तो. राइट ऑन द हाईवे, ये अपना दूसरा घर है भाई लोग. सो द ETA शोइंग 7:34, 11 आवर्स 37 मिनट्स, 589 किलोमीटर्स. तो अगर ब्रेक लेके भी गए तो 9:30 तक घर पे पहुंच जाना चाहिए. आप बड़ा ट्रक लेके रॉन्ग साइड से आ रहे हैं, ये सब लोगों के वजह से ना एक्सीडेंट होते. लुक एट द रिवर, वाओ व्हाट अ व्यू गाइस. सही ना? तो 580.41 का पेट्रोल आया है, एवरेज काफी अच्छा मिल रहा है. ओ MH47 मुंबई की गाड़ी दिखी बहुत दिन के बाद, बड़ा अच्छा लग रहा है, अच्छा लग रहा है. NH52 इंटीग्रेटेड MP बॉर्डर चेक पोस्ट, आगे से महाराष्ट्र स्टार्ट होगा. ये मध्य प्रदेश को बाई कहते हुए अलविदा, मिलेंगे फिर दोबारा. सो आई थिंक यहाँ से महाराष्ट्र स्टार्ट होता है. वी आर एंटरिंग इनटू महाराष्ट्र, एंटर कर रहे हैं 5, 4, 3, 2, 1. जय महाराष्ट्र. नजदीक पहुंचते हुए अपने घर के, पेट्रोल पंप दिख रहा है, वहाँ रुकते हैं. वॉशरूम ब्रेक, हाइड्रेशन ब्रेक और एक प्रोटीन बार भी खा लेता हूँ. देखते हैं कहाँ पे है वॉशरूम. है ठीक है, यहाँ ब्रेक ले लेते हैं. ओ कहाँ निकली सवारी? पहला टोल महाराष्ट्र MP बॉर्डर टू रे हाईवे. महाराष्ट्र एंटर करने के बाद मेरे आगे है हीरो मोटो स्पोर्ट्स की गाड़ी, टीम रैली. क्या है इसके अंदर? क्या अपनी बाइक से रैली बाइक? और ये कहाँ जा रही है? क्या कोई इवेंट चालू है क्या हीरो का? बहुत नींद आ रही है मुझे. आप लोग को ये पूछना है कि नींद आती है आप लोग को ड्राइव या राइड करते टाइम, तो आप लोग क्या करते हो? मैं च्युइंगम खाता हूँ. द रीजन वाई आई ईट च्युइंगम इज, जैसे ही आप खाते हो आपका दांत ब्रेन से कनेक्टेड है, लिंक्ड है. तो जैसे ही आप खाते हो, च्यू करते हो, तो आपका ब्रेन एक्टिव हो जाता है और उसकी वजह से नींद नहीं आती है. दिस इज साइंटिफिकली प्रूवन और ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस भी है. देखो मैंने जैसे च्युइंगम खाया, इमीडिएटली ब्रेन एक्टिव हो जाता है और आपका नींद भगा देता है. तो मुझे कमेंट करके बताओ कि आप लोग क्या करते हो. कोई थम्स अप पीता है, कोई मुंह धोता है, कोई कॉफी पीता है. और नेक्स्ट टाइम च्युइंगम वाला तरीका ट्राई करना, इट इज वेरी यूजफुल. ना नंबर प्लेट का गाड़ी, मतलब कभी ठोके वोके गया कुछ समझेगा नहीं और भगा भी रहा है तगड़ा. पुलिस किधर है? पकड़ो. ये क्या है? ये कोई किला लग रहा है. सो कौन सा एरिया है ये पता भी नहीं है. लर्लिंग, लर्लिंग करके कुछ जगह है और ये किला है. मस्त चढ़ के जाने का ऊपर यार, वाह कुछ नया पता चला. तूले से कुछ 5-10 किलोमीटर आगे रहेगा और मालेगांव के 20-30 किलोमीटर पहले. अगर किसको पता है तो प्लीज कमेंट में बताओ मेरे को कौन सा किला है ये. रुका हूँ पेट्रोल भरने के लिए. 106 रेट चल रहा है. ओके 810 का भरा है. सो मालेगांव से पुणे 297 दिखा रहा है. शिरडी भी यहाँ से जा सकते हैं. एंड नासिक इज 90. बहुत ज्यादा गर्मी लग रहा है. सो हाइड्रेशन ब्रेक लिया मैंने. टोल के पास ही रुका हूँ, कोई तो टोल है. यहाँ से नासिक समवॉट 60 किलोमीटर है. फिर देखते हैं आगे. भूख तो लगी नहीं है. सो अगर भूख लगी तो खाने के लिए रुक जाएंगे या फिर और आगे खींच लूंगा. ETA शोइंग 628, 228 किलोमीटर लेफ्ट, 5 आवर्स. नासिक यहाँ से 59 किलोमीटर है. सो यहाँ पे मैंने भजिया खाया एंड बहुत सारा पानी पिया है क्योंकि धूप बहुत है. नासिक में एंट्री कर लिया है. वेलकम टू नासिक पीपल.
अरे इतना भगाते क्यों है टर्निंग पे? ट्रक वालों का प्रॉब्लम क्या है पता है? उनका जो स्टेयरिंग व्हील है ना, स्टेयरिंग जो है वो जाम हो जाता है ये पुराने ट्रक्स में, तो बहुत डिफिकल्ट हो जाता है घुमाना। इसलिए अगर आप देखोगे लेफ्ट राइट, पुराने ट्रक्स जो है वो बहुत टाइम लेते हैं लेफ्ट राइट लेने को, और अपने जैसा पावर स्टेयरिंग भी नहीं रहता नए गाड़ी के जैसा। नॉर्मल स्टेयरिंग, आप नॉर्मल स्टेयरिंग वाली गाड़ी भी चलाओगे ना तो आपकी हालत हो जाएगी, ये तो ट्रक है। शाहपुर पहुंच गए हैं और अब यहाँ से स्ट्रगल स्टार्ट होता है, ट्रैफिक का, खड्डों का, गंदे रस्तों का। सो 72 किलोमीटर दिखा रहा है 2 hours 6 minutes। ऑलराइट, ये ब्रिज के बाद थाने एंटर करने वाले फाइनली, बहुत स्ट्रगल के बाद, खड्डे खुड्डे ट्रैफिक सब, पूरा पूरा दिन में जितना थकान नहीं आया ये आधे पौने घंटे में थकान आ गया, एंड थाने पहुंच गए है। सो वेलकम टू मुंबई। यहाँ से घर दिखा रहा है 29 किलोमीटर। सो मुंबई केदारनाथ मुंबई बाइक राइड ऑलमोस्ट फाइनल लेग पे है फिनिश होने के। अ सक्सेसफुल बाइक राइड इज अबाउट टू फिनिश। इस ट्रिप का आखिरी सनसेट बहुत ही खूबसूरत लग रहा है, तो ये तो बनता ही था। फाइनली आई हैव रीच्ड होम, मैं घर पहुंच रहा हूँ, बस 2 मिनट में घर पहुंच जाऊंगा। क्या ही टाइम था ये 12 दिन, ये मैं कभी नहीं भूल पाऊंगा। फाइनली मुंबई टू केदारनाथ बाइक राइड डे 12 पे एंड होता है, और ये जो मेरा साथी था क्या ही बोलू, वन ऑफ द टफेस्ट बाइक आई हैव एवर नोन। ये बाइक आप कहाँ भी ले जा सकते हो, ये बाइक कहाँ भी ले जाने के लिए बनी है। आई होप आपको भी सारे व्लॉग्स देख के अच्छा लगा और मेरा एक्सपीरियंस देख के आपको मजा आया फाइनली एंटरिंग द एरिया। मेरी जर्नी पसंद आई हो तो प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल, और बहुत सारी राइड लाइंड अप है और बहुत सारी राइड्स मैं करने वाला हूँ। सो डू सब्सक्राइब माई चैनल, डू लाइक एंड शेयर माई वीडियोस। सो 6 बजे डॉट घर पे पहुंच गए हैं। सो 10 घंटे में 600 किलोमीटर कवर किया है इंदौर टू मुंबई। तो इसी के साथ मैं व्लॉग एंड करता हूँ, और आई होप आपको अच्छा लगा, और मिलते हैं नेक्स्ट राइड पे।